और आप खबर झांसी से लेते हैं, जहां पर शराबी पति ने जुए में पैसे हारने के बाद अपनी पत्नी की इज्जत को ही दांव पर लगा दिया। परेशान पत्नी ने अपनी आबरू को बचाने के लिए पुलिस से मदद की गुहार लगाई। मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र की वारदात है। आरोप के मुताबिक जुए की फड़ में संचालन करने वाले लोगों ने जुआ खिलवाने से पहले शराब पिलाई, उसके बाद जुआरी पैसा हारता चला गया। जुआरी फड़ संचालकों से उधार लेकर जुआ खेलता रहा। एक शराबी जब हुए जुए में उधार पैसा हार गया, इसके बाद फड़ संचालकों ने जुआरी के सामने पैसे के एवज में पत्नी को अपने पास भेजने की शर्त रखी। पुलिस ने केस दर्ज कर अब तफ्तीश शुरू कर दी है। और जो गोटी राम महाराज है वो छूट डालते हैं, छूट डालने के बाद जो नन्ना जू है वो उधार दारू दे के और गोटी राम से पैसे दिलाता है। उधार मतलब उधार पैसे दिला देगा, जब वो पति नहीं दे पाते पैसे तो कहते अपनी औरतों के लिए कि आओ एक रात के लिए हमारे पास। आपसे कहा है? हाँ, हमसे कहा है, कई बार कहा, हमने कितने बार कर्जा दिया, जितने बार भी कहा उन लोगों ने। और बरेली में भाई दूज के दिन दर्दनाक मामला सामने आया है। दरअसल सिरौली थाना क्षेत्र के गांव दलीपुर में पति ने धारदार हथियार से गला काट कर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी फंदे पर लटक गया। महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि भाई दूज पर वो मायके जाने की जिद कर रही थी और इसी बीच पति आपा खो बैठा और उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी कुछ समय से मानसिक तौर पर परेशान भी था। दिल्ली में प्राइवेट नौकरी किया करता था, वहीं के एक अस्पताल से उसका इलाज चल रहा था। उसके दो बेटे हैं जो घटना के वक्त बाहर खेल रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। एक 30 वर्षीय विवाहिता जिनके जो दो बच्चों की मां भी हैं, उनके पति ने उनकी गला काट के धारदार हथियारों से हत्या कर दी है और स्वयं भी उसी कमरे में एक फांसी का फंदा बनाकर उससे लटक गया है। इस सूचना पे तत्काल मौके पे जब पहुँचे हैं पुलिस फोर्स, तो यहाँ खिड़की तोड़ के उस पति को बाहर निकाला गया था। अब वो गंभीर अवस्था में था, उसको तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर रवाना किया गया अस्पताल उपचार हेतु, तथा शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधि कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। परिजन आ गए हैं, परिजनों से सूचना प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इसमें शीघ्र ही आवश्यक विधि कार्रवाई कम्प्लीट की जाएगी। और बरेली में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। थाना शेरगढ़ के शिव मंदिर के पास कुत्तों ने 5 साल के बच्चे की को अपना शिकार बना लिया। कुत्ते के हमले में घायल बच्चे की मौत हो गई। साल भर में बरेली में कुत्तों के हमले में 6 बच्चे की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि खेत पर जाने के दौरान बच्चे पर कुत्ते के झुंड में हमला कर दिया था। खबर नोएडा से, जहां पर थाना सेक्टर 58 इलाके में 4 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। सेक्टर 60 के गेस्ट हाउस में चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। निजी कंपनी का ये पैसा बताया जा रहा है। थाना सेक्टर 58 पुलिस FIR दर्ज कर अब जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने इस मामले में नौकर सहित कई और लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। बता दें कि कुछ महीने पहले कंपनी पर IT की छापेमारी भी हुई। औरैया जिले के अजीतमल इलाके में एक युवक की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई। मौत का कारण का अब तक सही पता नहीं चल पाया है। वो शटरिंग का काम किया करता था। घटना की जानकारी मिलने पर SP फॉरेंसिक टीम के साथ जांच के लिए गांव पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। खबर ललितपुर से, जहां पर तालबेहट कोतवाली क्षेत्र में दो तेज रफ्तार बाइक के बीच भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए। एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। आनंद फानंद में राहगीरों ने डायल 112 पर घटना की सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची PRV पुलिस ने सभी को CHC में भर्ती कराया। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
और उत्तरकाशी के सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन में अब इस वक्त एक अच्छी खबर आ रही है। रेस्क्यू अभियान में और तेजी लाई जाएगी। दिल्ली से नई मशीन के कुछ पार्ट्स उत्तरकाशी के चिन्यालीसौंण हवाई पट्टी पर वायुसेना के विशेष विमान से लाए गए हैं। थोड़ी देर पहले हाइड्रा मशीन की मदद से इन पार्ट्स को उतारा गया है। तो कुछ मशीन खराब हो गई थी वहां पर, जिससे रेस्क्यू थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि चिन्यालीसौंण हवाई पट्टी पर एयरफोर्स के विमान से कुछ मशीनें मंगवाई गई है, उनके पार्ट्स मंगवाए गए हैं, जिससे हो सकता है एक बार फिर से रेस्क्यू के काम में तेजी आए।